कच्चे पदार्थ को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। कन्वर्ट करने के लिए हम 5 M का प्रयोग करते हैं। 5 M का नाम होता है मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मार्केट। 5 M का हम सही से इस्तेमाल करते हैं जिसके आधार पे हम उसे प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन करने का फेज हमने बताया था कि टोटल 3 फेज होते हैं। पी ए सी का मतलब होता है प्लानिंग, ए का मतलब एक्शन और सी का मतलब होता है कंट्रोल। प्लानिंग, एक्शन और कंट्रोल। प्लानिंग करने का तरीका होता है कि कई तरीके हैं करने के, जैसे एक तरीका होता है फोरकास्टिंग करते हैं। प्लानिंग कभी भी हम करते हैं तो प्रोडक्शन करने से पहले करते हैं। किसी प्रोडक्ट को आप जब मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो उसको लॉन्च करने से पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। और जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो बनाने से पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। सपोज करें जब जियो कंपनी ने अपने सिम को बनाया होगा या अपने मोबाइल को बनाया होगा तो बनाने से पहले उसने मार्केट का एक एनालिसिस किया होगा। और एनालिसिस करना ही, पहले से ही एनालिसिस करना ही प्लानिंग कहलाता है। और उसी के आधार पर उसने जियो को डेवलप किया, जियो के सिम को डेवलप किया। उसने अपने कंपटीटर को देखा, जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये से कंपटीटर थे। और उन्होंने उसके आधार पर उसमें जो कमियां थी, वोडाफोन आइडिया में जो भी कमियां थी, उस कमियों को दूर किया और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो ये काम क्या होता है, ये प्रोडक्शन होने से पहले होता है, जिसे लोग बोलते हैं प्लानिंग। जब प्लानिंग हम कर लेते हैं तो प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, यानी उसी प्लान के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन जो भी एक्शन आप करोगे, जो भी काम आप करोगे, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब कंट्रोल करने के भी कई तरीके होते हैं, वो आपको धीरे-धीरे बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करने का तरीका देख रहे हैं फोरकास्टिंग के बारे में। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगाना। फोरकास्टिंग में सबसे पहला तरीका फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान फोरकास्टिंग। अब प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन करने के भी कई तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है, जैसे सबसे पहला तरीका है बाजार का सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण तकनीक, मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे टेक्निक। और दूसरा तरीका है समय श्रेणी विश्लेषण, समय श्रेणी विश्लेषण तकनीक। और तीसरा तरीका होता है विक्रेता की पूर्वानुमान। विक्रेता के अनुमान प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन बाय सेलर। ध्यान रखिए ये 3 मेथड होते हैं जिसके आधार पर आप कुछ फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कितना सेल होगा इसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे हम कर सकते हैं, किसका करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में पहले से है। कभी भी
नए प्रोडक्ट के लिए हम मार्केट का सर्वे नहीं कर सकते। जैसे जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल जैसे जियो सिम का आपको ऐड करना है, तो जियो सिम का कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आइडिया वोडाफोन वो उसका कंपटीटर है। तो जो उसका कंपटीटर होगा उसके आधार पर क्या करते हैं, मार्केट में एक सर्वे करा लेते हैं। सर्वे में क्या देखते हैं कि हमारा जो जैसे वोडाफोन है तो वोडाफोन की अच्छाइयां क्या है और वोडाफोन की बुराइयां क्या है, और जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, एक्स्ट्रा क्या चाहता है वोडाफोन से, उसके आधार पर हम क्या करेंगे अपना एनालिसिस करेंगे, और जो उसकी अच्छाइयां होगी उसको भी लेंगे और जो उसकी बुराइयां होगी उसको सुधार करके हम अपने प्रोडक्ट में सही करके मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। जैसे सपोज कीजिए आप जब एक नए शॉप को ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं, नए शॉप को ओपन करने से पहले आप उस मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ऐसे करके आप देखते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है जो वहां पे पहले से दुकान खुला हुआ है उसकी क्या अच्छाइयां हैं और क्या उसकी कमियां हैं, आप उसके अच्छाइयों को भी आपको लेना है और जो उसकी कमियां होगी उसको मजबूती से बनाना, उसको भी मजबूत करना है, तब आपका जो दुकान होगा मार्केट में चलेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हम उसका फोरकास्टिंग करते हैं, तो फोरकास्टिंग करने का तरीका है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में क्या किया जाता है, घर घर जा करके या पूरे मार्केट में जो आपके कस्टमर है उसमें आप जा करके अपने कंपटीटर का अच्छाइयां और बुराइयां हम देख सकते हैं और उसके आधार पर उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। मार्केट सर्वे कभी भी हम उस प्रोडक्ट का नहीं करेंगे जो एकदम नया नया है, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है उसका हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं। जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा सैनिटाइजर पहली बार लॉन्च हुआ, मास्क भी आपका पहली बार लॉन्च हुआ, तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं था, जो भी आपका बिकेगा क्योंकि उसमें मार्केट में कोई आपका कंपटीटर नहीं है। लेकिन इस समय मास्क का प्रोडक्शन आप करके देखिए, आपका मास्क कितना भी अच्छा हो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके मार्केट में बाजार में उसका कंपटीटर आपसे सस्ते में और आपसे अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। इसीलिए किसी भी नए प्रोडक्ट का जब आप लॉन्च करते हैं तो इस टेक्निक को नहीं स्वीकार करना चाहिए, आप इस टेक्निक को नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे आप बाइक का एग्जांपल लीजिए, जैसे स्प्लेंडर प्लस मार्केट में अवेलेबल है, तो जब स्प्लेंडर आ गया था तो स्प्लेंडर को स्प्लेंडर प्लस क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें स्प्लेंडर की कुछ कमियां रही होगी, कुछ अच्छाइयां रही होगी। कंपनी ने क्या किया, फिर से मार्केट में एक सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर देखा कि हमारे जो कस्टमर है वो हमसे क्या और चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया उसके फीचर्स में उसके डिजाइन में कुछ ना कुछ अंतर किया, और अंतर करने के बाद जैसा कस्टमर की नीड थी उसके आधार से फिर से स्प्लेंडर को लॉन्च किया, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया स्प्लेंडर प्लस कर दिया, फिर आपका और चेंज किया सुपर स्प्लेंडर नाम रखा, और चेंज किया एनएक्सी नाम, वो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं हर चीजों को कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, और नया तभी बनाएंगे जो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। कभी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप मार्केट सर्वे टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जांपल के सर्फ देखिए, आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे सर्फ हैं, सर्फ एक्सेल का हो गया, एरियल का हो गया, घड़ी का हो गया, पिक का, बहुत सारे सर्फ अवेलेबल है। एक कोई नया ब्रांड लेते हैं, जैसे लोकल ब्रांड लेते हैं, रजत नाम का सर्फ आता है, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया। अब वो जब लॉन्च किया होगा उसने क्या किया होगा मार्केट बनाने के लिए, जिसको मार्केट में रहना है तो उसने क्या किया होगा अपने कंपटीटर को ध्यान से देखेंगे। कभी भी कंपटीशन करते हैं तो अपने के लेवल वाले से करते हैं, जैसे हम दो पहिया बना रहे हैं मान लीजिए कि स्प्लेंडर बनाते हैं, तो कभी भी हम कंपैरिजन जुगाड़ी से नहीं करेंगे, बीएमडब्ल्यू से नहीं करेंगे, से नहीं करेंगे, जो आपके लेवल का ही नहीं है उससे आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। आप स्प्लेंडर कंपैरिजन फैशन से कर सकते हैं,
डीलर से कर सकते हैं, जो आपके लेवल की गाड़ियां हैं, जिसकी अमाउंट में आप बनाए हुए उस लेवल की जो गाड़ियां, उस फीचर की जो गाड़ियां हैं, उसी से आप अपना कंपेटिंग करते हैं। तो मार्केट में जब भी जैसे व्हील्स लागू हुआ, तो व्हील्स ने अपना कंपटीशन घड़ी से किया होगा, ना कि सरफेस से किया होगा। तो मार्केट के सर्वे हमेशा अपने के लेवल से करना चाहिए। जैसे दैनिक जागरण बहुत पुराना पेपर है, बाद में आपका अमर उजाला आया, उसके बाद हिंदुस्तान आया, तो ये सब पेपर कैसे लॉन्च हुए? दैनिक अमर उजाला ने लॉन्च करने से पहले दैनिक जागरण के अंदर किया होगा, और उस एनालिसिस के आधार पर उसने कुछ चेंजिंग किया होगा और अमर उजाला को लॉन्च किया। फिर हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान ने अमर उजाला और दैनिक दोनों को कॉपी किया होगा, उसके आधार पर लॉन्च किया होगा। लेकिन कभी भी हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेपर कंपेरिजन टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू से नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन दोनों का लेवल भी नहीं है। कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो अपने के लेवल वाले से किया था है, अपने से ऊपर वाले से नहीं किया था, या अपने से बहुत नीचे वालों से भी नहीं किया था। तो मार्केट सर्वे हमेशा अपने लेवल में करेंगे और कभी भी नए प्रोडक्ट के लिए नहीं लॉन्च नहीं किया जाता है। दूसरा तरीका होता है समय श्रेणी, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में क्या होगा, आप टाइम के आधार पर एक ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ के आधार पर आप देखते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है वो डेली बढ़ रहा है या डेली घट रहा है या एकदम कांस्टेंट है। जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, इसमें ग्राफ ऐसे खींचते हैं, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, वाई एक्सिस को हमने प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पर ले लिया समय। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा एग्जांपल लिया सर्व का प्रोडक्शन करते हुए, आप देखते हो कि हमारा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारे सर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है, जो प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है वो डिमांड हमारा क्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में जा रहे हो, ठीक जा रहा है। अब फिर एक टाइम के आधार पर ग्राफ क्या है, यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का डिमांड ले लिया, प्रोडक्ट का डिमांड के लिए ग्राफ लिया, डिमांड क्या है कॉन्स्टेंट, समय आपका कितना भी बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ही कॉन्स्टेंट है। आज यदि जैसे एक दुकान वाला चाय वाला है, चाय वाले की आज यदि सोमवार है तब भी आपको 50 कप चाय मिल रहा है, मंगलवार है तब भी 50 कप, बुधवार है 50 कप, इसका मतलब क्या डिमांड इज कॉन्स्टेंट है। डिमांड आपका जब कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में नहीं जा रहे हो, आप ना प्रॉफिट में जा रहे हो ना आप नुकसान में जा रहे हो, आपका कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का डिमांड है और ये आपका टाइम ग्राफ है। शुरू में आपने किया, शुरू के प्रोडक्ट का क्या बहुत ज्यादा चलने धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ा है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट का आगे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी, आपके जो प्रोडक्ट है उस साइड में दिख नहीं रहा है सर। यदि ग्राफ आपका गिरता है तो हम देख, यदि आपका ग्राफ गिरता है इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है। आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है और कमी है इसका मतलब उसको हम लोग हमारे प्लानिंग में कुछ ना कुछ कमी है। जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने पर आपके प्रोडक्ट में यदि डिमांड समय के हिसाब से कम होते जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोडक्ट में कमी है। अब कमी कैसे होती है, हो सकता है आपने प्लानिंग सही से ना किया हो सकता है इसे आप जिसे नॉनवेज सेल कर रहे हो, नॉनवेज सेल करने के लिए आप किसी ऐसे जगह चले गए जहाँ पे पूरा ब्राह्मण लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो नहीं खाते, आप वहां पे जाकर बेच रहे हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दो वहां पर नहीं सेल होगा। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं अब उनके वहां चले जाओ आपका कितना भी खराब आइटम हो वो सेल हो जाएगा। इसका मतलब आपकी प्लानिंग में कुछ ना कुछ कमी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है आपको जानकारी ही नहीं है, इसलिए आपका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग में चेंजिंग करते हैं। तो समय समय श्रेणी में टाइम श्रेणी के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम के सापेक्ष अपने डिमांड का, अपने बिक्री का, अपने प्रोडक्ट के डिमांड का हम एक ग्राफ खींचते हैं,
अब उस ग्राफ के आधार पे हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब ग्राफ कैसा हो सकता है, ग्राफ भी तीन प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला ये ग्राफ हो गया, इसको हम बोलते हैं आरओई वक्र, आरओई वक्र एसेंडिंग कर्व। आरओई में क्या होगा, या तो समय के सापेक्ष आपका डिमांड बढ़ जाएगा, या तो समय के सापेक्ष आपका डिमांड बढ़ जाएगा, तो फिर बोलेंगे हम लोग आरओई वक्र, आरओई वक्र डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कर, या तो आपका समय के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा यानी नियत रहेगा, नियत ये तीनों एक ही में आएगा, कांस्टेंट प्लस। तो आपका जो कर्व हो सकता है, या तो समय के साथ फिर प्रोडक्ट का डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोरकास्टिंग कब करते हैं, फोरकास्टिंग हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का करते हैं, जो प्रोडक्ट आपके मार्केट में है उसका हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अब फोरकास्टिंग करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर सर बताइएगा सर। अच्छा बता रहा हूँ, ये जो फोरकास्टिंग होती है समय श्रेणी का, टाइम एनालिसिस का, ये आप नए प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक चाय का दुकान खोला, अब चाय का दुकान डे वन पहले दिन आप गए, आपको नहीं पता है कि कितना चाय वाला बिकेगा, आपने क्या किया, मान लीजिए 100 कप अपने चाय खा लिया, 100 कप पूरा नहीं निकला, 20 कप हम पहले दिन देख रहे हैं कि हमारा 20 कप का डिमांड है, अगले दिन हम 20 कप ही बनाएंगे। हो सकता है कुछ प्लस भी चला जाए, कुछ माइनस, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस का जो ग्राफ होता है वो नए प्रोडक्ट के लिए करते हैं। नए प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम समय के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए, अब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद समय के हिसाब से उसका ग्राफ खींचे जाएंगे, कभी उसका ग्राफ बढ़ेगा कभी उसका घटेगा। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में आपका समय के हिसाब से जो डिमांड होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। कैसे घटेगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो चाहिए आपकी, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है और आप हमको आगे एप्पल का आईफोन दे दो, कितना भी अच्छा फीचर है लेकिन वो हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो कभी भी प्रोडक्ट को जो हम सेल करते हैं तो हमेशा उस मार्केट में सेल करना चाहिए जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड हो। आप चले जा रहे हो साउथ में, साउथ में आपको पता है चावल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, वहां गेहूं ले जाकर बेच रहे हो, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, घटता जाएगा। ईस्ट में गेहूं की खपत ज्यादा होती है तो वहां पर आप लगे चावल बेच रहे हो। तो हमेशा जब गलत चुनाव आप करते हो, सिलेक्शन गलत करते हो कि कहां पे किस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके आधार से आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हमेशा समय के साथ में जो डिमांड होगी वो घटती जाएगी, जिसे हम लोग डिसेंडिंग कर्व कहेंगे। इसी में पहला तो आरोही अवरोही नियत हो गया, टाइम एनालिसिस का पहला हो गया आरोही या अवरोही या नियत, और दूसरा होता है चक्रीय साइक्लिक। चक्रीय चक्रीय में क्या होता है, चक्रीय मौसम पर निर्भर करता है। चक्रीय क्या होता है, आपके समय पर निर्भर करता है कि आपको समय कैसे चल रहा है। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्ट कंजम्पशन कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कंजम्पशन कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, तो उसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे आता है, ये आपका हो गया समय, इधर हो गया आपका डिमांड, होना चाहिए ग्राफ ऐसे, आपका डिमांड क्या कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है। ग्राफ आपका यदि ऐसे जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी डिमांड आपको घटेगा, बढ़ेगा, कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक चक्रीय। ये कब होगा, ये
आपके मार्केट पर सेंसेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप जानते हैं गोल्ड का, गोल्ड का रेट कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, या पेट्रोल डीजल का रेट देखिए इसका रेट क्या होता है कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ये समय के हिसाब से जो उसकी डिमांड होती है वो कभी खत्म नहीं होती है लेकिन हमेशा घटती बढ़ती रहती है। इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक। तो साइक्लिक जो होगा उसका हम लोग कोई भी पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले दिन का डिमांड कितना रहेगा, कभी घट भी सकता है और कभी बढ़ भी सकता है। जैसे आप आलू का उत्पादन देखिए, आलू का प्रोडक्शन जब आलू का सीजन आता है तो उसमें खूब ज्यादा कंजप्शन होगा, लेकिन जब वही आलू जून जुलाई के महीने में जब कम रहता है तो उसमें उसकी डिमांड कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उसका मौसम ही नहीं है, इसलिए वहां पे कभी डिमांड घट जाती है कभी बढ़े, क्योंकि समय के अनुसार उसकी डिमांड ही नहीं है। जैसे आम का सीजन, आम का समय जब रहेगा तो उसमें खूब डिमांड रहेगी, लेकिन जब कम आम का सीजन चला जाएगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। तो इसका जो डिमांड होता है कभी जीरो नहीं होता, लेकिन ये आपके साइकिल पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगला है मौसमी। तीसरा जो होगा मौसमी में क्या होगा? मौसमी आपकी सीजन पे डिपेंड करेगा। जैसे बरसात का मौसम है तो ये रेनकोट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, गर्मी का मौसम है कोल्ड ड्रिंक की खपत बढ़ जाएगी, ठंडक का मौसम है तो वहां पे आपका ये ओवन या हीटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो आपके मौसम पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपको फोरकास्टिंग करना है, कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने फोरकास्टिंग तब किया जब उसका सीजन था, लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च किया सीजन खत्म हो गया। जैसे बरसात का मौसम है उस समय आपने रेनकोट के एनालिसिस किया, आप चाहते हो रेनकोट बनाना, अब रेनकोट का आपने क्या किया मार्केट का सर्वे कर लिया बरसात के मौसम में, तो आपने देखा कि यानी इसमें तो पीक पीरियड है बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आपने क्या किया प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो बरसात का सीजन खत्म, जब वो रेनकोट आप कितना भी अच्छा कर दो कितना भी सस्ता कर दो वो बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि वो मौसमी प्रोडक्ट होती है, तो मौसमी प्रोडक्ट हमेशा मौसम पर निर्भर करती है। जैसे दिवाली का सीजन आता है, दिवाली में पटाखों की खपत बढ़ जाती है, लेकिन जैसे दिवाली के अगले दिन पटाखों की कीमत क्या होती है घट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह मौसमी प्रोडक्ट होते हैं, उस मौसम में उस सीजन में उसकी वैल्यू क्या होती है कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। जैसे आप गर्मियों में देखते होंगे, गर्मियों में कूलर का फ्रिज का एसी का खपत बढ़ जाता है, तो इसका आपको ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे होगा देख सकते हो, ग्राफ हमेशा हम लोग मौसम के आधार पर मौसम पर मंथ के आधार पर देखेंगे। तो ये देखिए इधर मंथ लग रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे पूरा लगा दिया। इसमें डिमांड आप देख रहे हैं, ऊपर में डिमांड आपका घट जाता है कभी बढ़ जाता है, देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका हम पंखे का पंखे ऊपर देखते हैं, जनवरी में ठंडक का मौसम रहता है तो पंखे का ऊपर कम रहेगा, फरवरी में थोड़ा ठंडक जाती रहती है थोड़ा बढ़ेगा, मार्च में और बढ़ेगा, अप्रैल मई में सबसे ऐसा पीक पे आपका पंखा बनता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है पंखे क्या होगी धीरे धीरे कम होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपके मौसम पर डिपेंड करते हैं आपका सीजन कैसा। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मौसमी होंगे, तो आप जब भी फोरकास्टिंग करेंगे तो अपने मौसम को ध्यान रखते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने गर्मी में पंखे का एनालिसिस आपने कर लिया फोरकास्टिंग कर लिया और उसी के आधार पर प्रोडक्शन के तौर पर ठंडक आ गया, तो वो जो गर्मी का प्रोडक्ट ठंडक में नहीं निकलेगा, तो आपका जो भी फोरकास्टिंग है खराब हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन आपने प्लानिंग गलत की। प्लानिंग क्यों गलत किया? क्योंकि आपने सही मौसम का चुनाव नहीं किया, तो ये टाइम के आधार पर एनालिसिस हो गया। तीसरा तरीका होता है विक्रेता के अनुमान पर, ध्यान से देखिएगा।
जब किसी प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट को बेचता कौन है, प्रोडक्ट को जो बेचता है। चक्री और मौसमी में क्या अंतर रहता है सर? चक्री, चक्री का मतलब ये हो गया जो मार्केट में कभी कीमत उसकी बढ़ गई कभी उसकी कीमत घट गई। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जियो का सिम है, जियो के सिम में रिचार्ज आपका आ गया 555 का रिचार्ज, ठीक है। मान लीजिए इसने मार्च में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, मार्च में इसके अंदर जब इसने स्टार्ट किया हुआ तो मार्च में से जो कंज्यूमर ने 1,00,000 लिया होंगे, मान लीजिए अप्रैल में से कंज्यूमर जो होंगे वो 1.1 लाख लिया होंगे, मई में इसके जो कंज्यूमर रहेंगे 1.2 लाख लिया होंगे, ठीक है ना। कंज्यूमर जब शुरू में बहुत बड़ा है धीरे धीरे बढ़ गया, इसका मतलब शुरू में सभी लोगों ने इसका रिचार्ज कराया होगा, लेकिन इसका 3 महीने का प्लान मिल गया, अब 3 महीने तक इस आदमी को रिचार्ज नहीं कराना। लेकिन जैसे मई के बाद जून आएगा तुरंत क्या होगा, फिर इसका जो कंजम्पशन होगा बढ़ जाएगा, तो ये जो 1,00,000 कस्टमर होंगे फिर से रिचार्ज कराएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मार्च में आपका जो डिमांड होगा एकदम ज्यादा रहेगा, और फिर जाके आपका अप्रैल में मार्च में ज्यादा रहेगा, अप्रैल में कम हो जाएगा, मई में कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जून आएगा तुरंत इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये आपके साइकिल पर डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के आधार पर ही आपको प्रोडक्ट की खपत होती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं नए नए लॉन्च होते हैं तो उसका खूब खपत रहता है, लेकिन जब कुछ जब वो पुराने खपत कम हो जाती है, जैसे जब ये टाटा नैनो आई थी, सोचो जब नैनो आई थी तो उसको लपलपिया करके लोग बहुत ज्यादा लोग बेच दिए 1,00,000 रुपये मिला, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा उसकी डिमांड बढ़ती गई। एग्जाम्पल ले लो, आप लोग बहुत खेलते हो पबजी, पबजी जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो बहुत लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, लेकिन जब इस समय जब इंस्टॉल हुआ होगा मान लो दो साल पहले खूब ज्यादा इंस्टॉल हुआ, लेकिन उसके बाद उसको क्या कम होती गई, फिर पबजी बंद हुआ, फिर जब कुछ और ऑप्शन आ गया फ्री फायर एक ऑप्शन आ गया, फिर उसकी डिमांड बढ़ गई, फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, तो ऐसे ये साइकिल मार्केट में चलता रहता है। इसीलिए क्या करते हैं जितने भी कंपनी होती है वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में रहे, इसीलिए आपका एक साइकिल होता है। लेकिन जो मौसमी प्रोडक्ट होता है वो आपको मौसम को निर्भर करेगा कि आप कितना भी बढ़िया बना दो लेकिन मौसम नहीं है तो निकलेगा नहीं प्रोडक्ट आपका। जैसे यदि आप पटाखे को बना के दीजिए, आप होली में जाकर के बेचिए तो आपका एक ही पटाखा बिकेगा, लेकिन उसी पटाखे का बिजनेस जो दिवाली के टाइम में कितना ज्यादा रहता है, आप देखते होंगे कि लाइन जिसको कोई नहीं लेता लेकिन दिवाली के टाइम में कम लेते हैं, तो ये सारा कंजम्पशन आपके प्रोडक्ट के मौसम पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मौसम पर निर्भर होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके साइकिल पर निर्भर करते हैं। अगला तरीका होता है फोरकास्टिंग करना कि विक्रेता के अनुमान पर, आप देखो जो प्रोडक्ट बेचता है उसको बोलते हैं हम सेल्स मैन, जो प्रोडक्ट बेचता है उसको क्या बोलते हैं सेल्स मैन बोलते हैं, और सेल्स मैन किसको कहता है दुकानदार को, रिटेल शॉप दुकानदार, दुकानदार किसको कहता है कस्टमर। चलो तो हम सेल्स मैन पे काम कर रहे हैं, सेल्स मैन रिटेलर हम इस पे एक मान ले रहे हैं। सेल्समैन किसको रिपोर्ट करता है, ये करता है आपके एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है सेल्स मैनेजर। सोचिए आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल करके नया दूध, जैसे आप जानते हो अमूल का दूध बहुत पुराना है, उसका कोई नया कंपनी लॉन्च, जैसे ज्ञान एक कंपनी लॉन्च हुई, अब ज्ञान ने क्या किया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, तो उसने क्या किया प्रोडक्ट को बनाया और अपने सेल्स मैनेजर को कह दिया कि आपका एक टास्क है कि आपको इतना दूध बेचना है, किस तरीके से बेचना है ये आप करें, तो वो क्या करेगा अपने एरिया मैनेजर से कहेगा कि जैसे मान लीजिए इसको मिल गया कि आपको 1,000 लीटर दूध बेचना है, एग्जाम्पल के तौर पर 1,000 लीटर दूध बेचना है। अब इस सेल्स मैनेजर के अंडर मान लीजिए 5 एरिया मैनेजर हैं,
तो इसने क्या किया, अपने टारगेट को उसको दे दिया कि अब ठीक है आप उनको बेचना है। क्या किया उसने, सभी को कहा कि 200 लीटर दूध सबको बेचना है। अब एरिया मैनेजर क्या करे, उसने अपने 200 लीटर दूध को सेल्समैन को दे दिया। एक एरिया मैनेजर मान लीजिए 5 सेल्समैन है, तो उसने क्या किया 40 लीटर सबको दे दिया, कहा कि आपको बेचना है। अब वो कैसे बेचेंगे, सेल्समैन क्या होते हैं, ये डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े होते हैं। सेल्समैन जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली सेल्समैन के लिए या रिटेलर दुकानदार के लिए, दुकानदार हमेशा कस्टमर से जुड़ा होता है। तो दुकानदार को पता रहता है कि हमारे कस्टमर की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या प्रोडक्ट में वो अच्छाइयां चाहता है, उसका जो कंपटीटर है उसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है। जितना ग्राफ खींच रहे हो ये सारा ग्राफ की जानकारी सेल्समैन को या दुकानदार को होती है। अब दुकानदार कस्टमर से मिल रहा है, जैसे आपने अमूल दूध देखा, अमूल दूध की कुछ कमियां रही होगी, उस जब ज्ञान का दूध बना तो उसने प्रोडक्ट को सप्लाई किया, देखा जब रिटेलर ने दुकानदार ने कस्टमर को दिया दोनों दूध और देखा कि दोनों में कंपैरिजन कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, तो इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, रिटेलर ने क्या किया अपने पहले के ही अनुमान आधार पर उसने प्रोडक्ट को लॉन्च कराने कर दिया। तो ये पूर्व अनुमान के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो फोरकास्टिंग करने का देख सकते हो तीन टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे पहले आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए, दूसरा तरीका है आप ग्राफ खींचिए किसमें समय और डिमांड में, और तीसरा तरीका होता है आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। हाँ, किसी स्टूडेंट की समस्या है।